सलाम। आज का कंसेप्ट बहुत लोग अपनी जिंदगी में मिस कर चुके हैं, और जो लोग इसको जितना लेट समझते हैं उन लोगों के लिए इसे सीखना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी इसको अपने आसपास के लोगों में ऑब्जर्व करके देखना। फ्लोरेंस जिगफील्ड ब्रॉडवे थिएटर के जाने माने कद्दावर प्रोड्यूसर थे। कद्दावर इसलिए क्योंकि ब्रॉडवे शोज के लिए खूबसूरत एक्ट्रेसेस नहीं मिलती थी। ब्रॉडवे पूरे अमेरिका और यूरोप का सबसे बड़ा थिएटर सर्कल है, और यहाँ जो भी एक्टर्स हिट होते हैं उनका हॉलीवुड का टिकट पक्का होता है। सारी मंजी हुई एक्ट्रेसेस को फिल्म प्रोड्यूसर बुक कर लेते थे, लेकिन इन सब के बीच में फ्लोरेंस हर साल नई हिट एक्ट्रेसेस लेकर आते थे, और हर एक्ट्रेस की खूबसूरती के चर्चे महीनों चलते। मेरे अंत तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि फ्लोरेंस को ऐसी एक्ट्रेसेस मिलती कहाँ हैं। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना राज खोला। वो कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि सारे कलाकार अपने हुनर में माहिर होते हैं, और नाटक की लीड एक्ट्रेस साधारण ही होती हैं। रिहर्सल 6 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। मैं हर दिन लीड एक्ट्रेस को गुलदस्ता भिजवाता हूँ और उसकी खूबसूरती की सच्ची तारीफ करता हूँ। मैं हर दिन उसको बताता हूँ कि उसके चलने बैठने देखने की अदाएं उसे एक सच्ची अदाकारा बनाती हैं, और 6 महीने के अंत तक उसे अपनी सुंदरता पर विश्वास हो जाता है। जो ग्लैमर और खूबसूरती आप शो में देखते हो वो असल में एक्ट्रेस का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। किसी भी मंजे हुए कलाकार का कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही मेरे करियर का सीक्रेट है। असली कहानी तो दोस्तों यहाँ शुरू होती है। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं कि अगर आप किसी की सच्ची मदद करना चाहते हो तो क्रिटिसाइज या गलती बताने से बचो, और सही समय पर सच्ची तारीफ करो। इसके दो फायदे हैं। आप दोनों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सामने वाला देखता है कि ये इंसान सच में मेरे बारे में सोचता है, और आपका रिलेशन गहरा होता है, चाहे वो रिलेशन बाप बेटे का हो या बॉस कलीग का या चाहे दोस्तों का। ये बात हर जगह लागू है। जो एक्टर्स थिएटर करते हैं वो ये बात जानते हैं कि छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम स्टेज पर जाते ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आपकी तारीफ में तालियां बजाते हैं तो शरीर और दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और छोटी मोटी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बचपन से हमको टोका गया कि अब तुम सुधर जाओ, ऐसे मत करो, उस जैसे बनो। इस कारण हमारे अंदर कहीं बैठा हुआ है कि हम में कुछ कमी है, इसलिए जब कुछ बदलने या नया करने की बारी आती है तो थोड़ी घबराहट होती है और बदलना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद की तारीफ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए कि भाई अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, या मुझे दूसरों की मदद करने में दिक्कत नहीं होती, या मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत बढ़िया होता है। जब भी मौका मिले अपनी पीठ थपथपाना मत भूलिए, और जितनी गहराई से आप खुद की सच्ची तारीफ कर सकोगे उतना ऊंचा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतनी आसानी से आप कुछ भी सीख और बदल सकते हो। दोस्तों चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा।